अपन ने जीवन में एक चीज सीखी, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते या अपन जीतते। जितने भी ये लोग YouTube पर अनाउंस कर रहे हैं ना, हम खेलेंगे अमेचर ओलंपिया, हम खेलेंगे अमेचर ओलंपिया, जीतना तुम्हारा भाई है तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझ आई? जीतना तुम्हारा भाई है इस साल का अमेचर ओलंपिया, तो रहने दो। अच्छा, मुझे एक वीडियो बनाना था अभिषेक यादव के ऊपर में, जिन्हें आप मोस्टली आप सभी लोग जानते ही होंगे। वो 24 साल के हैं और वो शेरू क्लासिक 2019 में 3rd रैंक था उनका, और अमेचोर ओलंपिया 2018 में वो टॉप 5 में थे। और फिजिक वाइज बात की जाए तो ही वॉज अ स्पेसिमेन ऑफ अ मैन, और ये कम्पीट कर रहे हैं अमेचोर ओलंपिया 2021 जो कि इस साल होने वाला है दिसंबर से। और मैं बता दूं आपको कि ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रोहित खत्री भी कम्पीट कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से आपको अपनी लाइफ में खुद को किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप इस वे में एक ग्रेटफुल ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ऑलवेज। और ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो यूजुअली वैसा कुछ नहीं है, मैंने बस ये सोचा कि दोनों जो एथलीट है वो एक सेम प्लेटफॉर्म पे कम्पीट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। और अभिषेक यादव की बात की जाए तो उनका जेनेटिक्स काफ़ी कमाल का है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। और अभिषेक यादव 2017 से ही स्टेज कम्पीट करना शुरू कर दिया था, और अभिषेक यादव को इंटरनेशनल इवेंट्स का भी एक्सपीरियंस है, और इनकी मम्मी जो है वो भी एक पावर लिफ्टर है, तो मे बी ये कह सकते हैं दिस इज़ द रीज़न ऑफ गुड जेनेटिक्स। अब हम कंपेयर करते हैं अभिषेक यादव को रोहित खत्री से। तो अभिषेक यादव की बात की जाए तो उनका जो शोल्डर है वो काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, पर रोहित खत्री में ये चीज़ लैक करता है, वो अभिषेक यादव से शोल्डर में के मुकाबले पीछे हैं। अभिषेक यादव इज़ वे मोर हैवियर देन रोहित खत्री इन कंपेयर टू साइज, और जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है रोहित खत्री के बारे में, तो उन्हें स्टेज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और बात की जाए अभिषेक यादव की तो उन्हें इंटरनेशनल स्टेज का भी एक्सपीरियंस है, और उन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स भी लाए हैं स्टेजेस में, काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े स्टेज पर भी उन्होंने परफॉर्म किया है। ओवरऑल अभिषेक यादव जीत रहे हैं फॉर श्योर, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लें आप एक्सपीरियंस और जेनेटिक्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और देर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन देम। अभिषेक यादव रोहित खत्री को चुटकियों में हरा देंगे, और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने अभिषेक यादव का बॉडी एनालिसिस किया है वो टॉप 3 में तो पक्का रहेंगे। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल, प्लीज़ पुट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़।